ये मंदिर का, मंदिर का तो हमारा जाति में तो हर मंदिरों में सेवा करते ही हैं, मंदिरों की सेवा तो हमारे करते ही हैं साधु लोग, क्योंकि हमारे जाति का एक कार्य सेवा भगवान शंकर का है, माता जी का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, ऐसा सेवा करते हैं। सोलह सत्रह साल का था जब रामलीला में, पहले देखते थे, देखने से शौक हो गया, फिर रामलीला में हमारे को एक दो मिलने वाले भी थे तो उन्होंने उनको एक रोल दे दिया, उनके आदमी भी थे कि अरे बन जाओ यार, क्या है कोई देखता नहीं है, पहले हमारे समाज में पकड़ थी अगर ऐसे रामलीला में वगैरह कहीं चले जाए तो उसको जाति से खिलाफ कर देते हैं, दुर्बाना करते हैं, ऐसा करते हैं। मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो जहाँ भी घूमा वहाँ पर किसी प्रकार की अपनी शिकायत नहीं थी, इसलिए लोग फिर खुश थे कि भाई चलो संगीत का काम करता है और गलत काम नहीं करता है। परिवार वाले तो पहले तो खुश नहीं थे वो पहले तो जानते कि कहीं चले जाएंगे, वापस घर आए कि नहीं आए, बहुत से मतलब रामलीला में पार करने वाले घर बार छोड़ करके ज़िंदगी उधर ख़राब कर देते हैं, तो ऐसे थे ही। फिर बाद में तो पैसे वैसे लाते जो उसके बाद हमको कुछ कहते ही नहीं। फिर रामलीला में 30 साल तक जो है रहे, रामलीला में हर प्रकार का रोल करते, कभी सीता का करते, कभी राम का करते, कभी लक्ष्मण का, कभी जैसे हरिचंद्र नाटक करते थे ना तो हरिचंद्र का तारावती का पाठ करते, कभी मोर दज का जो नाटक होता था उसमें कृष्ण का भी करता और देवकी का भी करता, वैसे चलता रहता काम हर नाटकों में, तेजाजी जाट के अंदर सुंदर का पाठ करता, कभी डाकुओं का पाठ भी करता, हाँ ऐसा जैसा जैसा पार्ट आता रहता वैसा करता रहता। ये हारमोनियम जहाँ बनाते थे वहाँ ठीक कराने जाता तो वो देखता था मैं कि कैसे क्या करते हैं, फिर बाद में खुद ये हारमोनियम खोल करके फिर इसको देखता रहता और देख करके ये चाबियाँ वगैरह सब बनाना वगैरह सीख गया। ये दमड़े हैं ये सारे जो है ये तो बाज़ार में मिलते हैं, फिर उनके देखा देखी उनमें लगा दिया सारा, और आवाज़ वगैरह ट्यूनिंग वगैरह, ट्यूनिंग तो क्या है कि जब गाने वाला होता तो ट्यूनिंग का मालूम होता, जो नहीं गाता तो उसको पता नहीं चलेगा ये बेसुरा बज रहा है कि ये सही बज रहा है। हारमोनियम का तो ऐसे सीखा मैंने, और मेरे संगीत के अंदर जाते रहते रहते हैं। संगीत में क्या है कि जहाँ सत्संग होती है भजन वगैरह कीर्तन वगैरह होता है वहाँ जाते रहते हैं, तो वहाँ से और भी ज़्यादा जो है तजुर्बा मिलता है हमको।
क्या था, क्या वापस बताएंगे क्या था मूछे का? वो डाई कराने से छोटे हो गए बाल। बचपन में हुई मेरी शादी, तो छोटा सा था। ये तो समझती नहीं, मैं भी कोई खास शादी में समझता नहीं था कि शादी होती है। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे बड़ी सासू थी उनके साथ में हमारा शादी हो गई, उनकी हुई उनके साथ साथ ही। फिर बहुत दिन तक तो रगड़ा भी चला हमारा। मेरे एक बड़ा भाई था, इसको छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश की झगड़ा करता, इसको नहीं लाने का, दूसरी शादी करेंगे। फिर बाद में धीरे 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 क्या करूँ, उन भाई के मेरे भी वापस झगड़ा होने लग गया, तो फिर मैं रामलीला में चला गया। फिर बाद में आकर के उनको लाया, फिर बाद में जब धीरे धीरे बाल बच्चे हो गए 5-4 9, फिर गृहस्थ आश्रम भोग रहे अब क्या करें। बाकी बच्चे अच्छे थे, ये कुछ खरीदने बोलने वाले नहीं है, ना तो संगीत जानते हैं, ना ये हारमोनियम का काम जानते, कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं सीखा उन्होंने? नहीं सीखे, उनकी इच्छा नहीं है, उनका काम अलग है। जैसे जैसे देखो सोबत हो वैसा काम सीख जाता, वो सोबत करना ही नहीं चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो नहीं सीख पाते हैं। पहले बहुत मजदूरी भी की है मैंने, पत्थर भी बहुत उठाए। ये अपने उदयपुर में जो टाउन हॉल जो बना है नगर पालिका का, यहाँ पर जो है पहले मैंने नीमे खोदी है, और इतनी इतनी चौड़ी गिट्टी की नीमे भरी हुई है, और यहाँ पर बहुत मजदूरी की है। और हमारे महाराणा भोपाल सिंह भी शांत हो गए थे उस साल में, मैं वहाँ काम करता था। ये सुकल्या सर्कल, ये ट्रेनिंग स्कूल, इसमें बहुत गाड़ियाँ भर भर के मिट्टी ला ला कर भरी हुई है। हमने सीखना चाहता है तो टाइम उनका टाइम निकाल करके आओ। मैं तो वैसे फ्री हूँ, मैं तो कोई काम करता नहीं हूँ, क्यों होता नहीं है काम अब मेरे दर्द से। फिर भी वो सीखना चाहता है तो घंटा आधा घंटा उनको टाइम निकाल करके, और उसके घर पे भी बैठने की व्यवस्था हो तो वहीं चला जाऊँ।